एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ 13वें नंबर पे। बिल्कुल, अभी आपके पास एस्ट्रिक्स के डार्क लॉर्ड नजर आएंगे जो डोमिनेशन में है जरूर। आदित्य मल्टीपल नॉक्स निकालते हुए एमएम के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, बट ये फाइट टीम 16 के लिए बहुत ज्यादा दुख भरी होने वाली, बिकॉज उनका एलिमिनेशन होता हुआ नजर आया #12 पे। और अभी हम लोग बात करेंगे जो सबसे ऊपर टीम है 5 किल के साथ, चारों प्लेयर जिंदा है, 5 किल उनके पास है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उनकी पोजिशनिंग में हम लोग देखें तो बहुत ही प्यारी तरीके से उन्होंने बना रखी है। सदर्न साइड में है जरूर गेट की बहुत ही प्यारा कर है, एंड राइट साइड में सिर्फ मात्र उनकी टीम में है जो अब जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बट अभी एंटी के टी गॉड कोशिश करेंगे एक गेम के थ्रू एक नॉक निकालेंगे, बट टीम नंबर 9 के प्लेयर वो लोग रुकना नहीं चाहते, यूएस उनके राइट साइड से रोटेशन डाले, बट जा कहां रहे हैं जहां पे ऑलरेडी एक टीम नंबर 15 मौजूद है, बट नॉर्थ साइड पे फाइट होगी। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते बिकॉज हार्ट और इन योर ड्रीम्स उनके पास फोस्टेड है, इन योर ड्रीम्स अभी भी फोस्टेड पॉप नहीं करे, बट 420 ओपी नॉक डाउन करेंगे टीम। ओके, ये डिफरेंट ही फाइट है। जी गॉड ने वहां पे नॉक डाउन करा फॉलन के प्लेयर को जो सबसे ज्यादा हेल्थ में थे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा हेल्थ में थे उस एरिया में, लेकिन आप देखिए टीम एक्स ने काफी ऊपर यहां पर स्लैमिंग मारा, लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लेयर को स्पॉट जरूर किया, लेकिन यहां पर मुश्किलें ये बन जाएंगी पीछे MK14 आपको दिक्कत देगी। आप देखिए टीम एक्स पाके ईवो MK14 लेकर आ चुके, टेक्स ने शैडो को डाउन कर दिया। अब यहां पर सिद्धू जो बच्चे हैं वो किस तरीके से कमाल दिखा पाएंगे, ग्रेनेड उन्होंने पॉप इन किया है, बट दैट्स नॉट गोना बी इनफ। फॉलन एंजल्स भी यहां पर टेक डाउन हो चुके, टीम INGL टेक डाउन हो चुके, टीम एक्स पाके डेस्ट आगे मूव करें, फोर्ड वीडियो भी आगे मूव करें, प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे, और साथ के साथ टीम एक्सपा 11 किल्स अपने हिस्से में लेकर आ चुके और टॉप 5 में जाते हैं। बिल्कुल, एमकॉप के प्लेयर्स यहां पर फाइट जोन निकाल सके, आप पिक्चर में देख सकते हैं दो अलग अलग एरियाज की जो फाइट्स हो रही है, डेस्ट्रो डोमिनेशन में आ चुके, 3 किल्स उनके पास भी आ चुके होंगे इन सब एरियाज में। पोटेटो विल के जस्ट पीछे की तरफ को जो अगला सर्कल जा रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। 420 भी वहां पर कार 98 से किल्स निकाल रहे हैं, ही इज गोइंग अमेजिंग राइट नाउ। हमें पता है कितने डोमिनेटिंग प्लेयर्स इस टीम के अंदर इकट्ठे हुए हैं, 13 किल्स ऑलरेडी है। एक्सपीरियंस बोलता है और जब एक्सपीरियंस बोलता है सबको चुप रहना पड़ता है, और वही चीज यहां पर टीम एक्स पाक अपने को लेकर भी जाना चाहेंगे। सही एरिया पर है, टेक डाउन कर सकते हैं, इजी टेक डाउन यहां पर ईवो ने किया, 6 किल्स हैं इनके पास, 7वां किल इनका वेट कर रहा है नॉक होने का, फिनिश होने का, और आयरन यहां पर 3 किल्स लेकर आ चुके, लेकिन आदित्य टेक डाउन हो जाएंगे जी गॉड के द्वारा। जी गॉड एक बेहतरीन फाइट ले रहे हैं, बट आप प्लेयर्स के नाम देखिए, प्लेयर्स आर डूइंग गुड विद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ गन्स। निंजा एक्स के प्लेयर्स वापस से काउंटर अटैक करते हैं, टीम नंबर 15 भी टीम एक्स के ऊपर एक्स पार्क के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे, देखते हैं किस तरीके का फाइट निकलेगी। आते देखो क्या बचाया जाएगा, 420 भी पीछे से रखे एडियंस देने की कोशिश करे, डेस्ट भी क्या ये फ्लैंक उनके लिए कारगर साबित होगा, उनके सामने ही प्रोन डाउन आयरन और बहुत ही प्यारी तरीके से 420 ने नॉक करा एंड फिनिश करा एट द सेम टाइम। लेफ्ट हैंड साइड पे गूफी भी नजर आएंगे, बट गूफी उनको नॉक डाउन करे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्रोन थे, फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाले, बट ईवो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बट 420 ओपी हो जाएंगे फिनिश, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। 3 में स्पॉट खेलते हुए नजर आएगी, बट सामने से वाई गॉड ने रही है बिल्कुल लग तो रही है, बट टीम नंबर 15 भी एक जो फ्लैंक भेजा हुआ उन्होंने फीनिक्स का, वो भी एक बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है, इसके चलते एक और फिनिश देखने को मिलता हुआ टीम एक्स पार्क अब डुओ स्कोर खेलती हुई नजर आएगी। दो ही मात्र प्लेयर बचे हुए, देखते किसी वेल फाइंड करेगी, ईवो रहेंगे सामने बिल्कुल, क्या हेडशॉट कनेक्ट होगा, बट बैरल से उनके पास सामने वाले ने नॉक करा एंड पूरा फिनिश करेंगे। ईवो ही इज लाइक गोइंग क्रेजी इन दिस मैच। अगर टीम किल्स की बात करें 19 किल्स टीम एक्स पार्क निकाल चुकी है, एंड ये 20वां किल आपकी स्क्रीन के सकते 9 किल्स तो अकेले प्लेयर के पास है, 21 किल्स वहां पर है। ईवो यहां पर गॉडली गेम प्ले दिखाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, भी के प्लेयर ऊपर से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या UP50 के प्लेयर वो डैमेज हो सोक डाउन कर पाएंगे, बट नहीं पीछे से भी शॉट्स पड़ रहे हैं, नॉक डाउन मल्टीपल जगह से देखने को मिल रहा है, बट माइटी ने नॉक करा किल कंफर्मेशन पीछे से MVP के प्लेयर ने करा, बट वेयर हाउस वाली फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। UP50 के प्लेयर 1 by 1 नॉक डाउन होते नजर आ रहे, बट सरकार नॉक डाउन जरूर दे रहे हैं मन्नू को। अब देखते हैं किस तरीके से ये 2 versus 4 की फाइट जो है इनके लिए बनेगी, बट MVP के भी एक प्लेयर नॉकडाउन है पीछे, दैट मींस अब धीरे धीरे करके फाइट दोनों टीम आगे लेके जाना चाहेगी। इंस्टेंटली कोई भी स्क्वाड एक ऐसा ब्लाइंड पुश नहीं करेगा, बट ब्लाइंड पुश के चलते अभी एमकॉप्स का स्क्वाड एक बहुत ही ज्यादा अर्ली एग्जिट ले चुका है, बट टॉप 10 में हमारे पास TXO का भी स्क्वाड एलिमिनेट होगा। सर्कल वही बना जहां पर बात करती है ऐसे किस प्लेयर्स इस एरिया में, वहीं पर पूरा सर्कल जाता है, इसका यही मतलब निकल कर आता है कि जो बाकी सारी टीम्स रहेंगे आसपास के उन्हें लिए बात करते हैं। एक प्लेयर को ओपन स्पॉट किया, टेक डाउन करने की कोशिश बेहतरीन कोशिश थी, बट एक HP पर वो प्लेयर अपने आप को सेफ साइड पर रखता, लेकिन नॉकआउट के लिए यहां पर सेटन आगे मोलोटॉफ कर रहा था कि वो राइट हैंड साइड से नहीं आ पाया, लेफ्ट हैंड साइड से उनको ये आराम से पकड़ सके। अब इनको जस्ट आगे जाना है और आगे ओपन एरिया में ये अपने फाइट बना सकते हैं, एक प्लेयर डाउन किया लेकिन वहां से सीटन के ऊपर भी शॉट्स आते हैं। अब वापस से जाएंगे, अब देखिए शॉन जस्ट बैठे हुए, शॉन स्पॉटेड नहीं है, बाकी सारे प्लेयर्स राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, बट एक बढ़िया ग्रेनेड यहां से जाता है उस डायरेक्शन में, फ्रॉस्ट को लेकर जा सकता है ग्रेनेड, सही कुक हुआ था सही टाइम पर ग्रेनेड, बट अब इनको भी पीछे से एंटी के प्लेयर्स टेक डाउन करेंगे। फेंकने की कोशिश जरूर की गई है वहां पे जो स्मोक था, बट बाय गॉड अभी देखते हैं किस तरह फाइट निकाले, बट एक्स गॉड को नॉक डाउन करेंगे एस्टन से, एस्ट्रिक्स के सीटन को, देखते हैं किस तरह फाइनल सर्कल फाइट, बिकॉज सेंटर जो है बाय गॉड
गॉड बैठे हुए हैं, जी गॉड क्या एक राइट हैंड साइड से फ्लैंक डाल सकते, बिकॉज एस्ट्रेक्स के पास आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख जाएगी जहां पे प्लेयर प्रोन डाउन है। एस्ट्रेक्स की माइटी सर्कल का डैमेज से बाहर आया, स्पॉट किया उन्होंने, लेकिन एक और प्लेयर पीछे से आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। एंटी का स्क्वाड ये फाइट अपने हिस्से में लेकर जाता हुआ बहुत बढ़िया इसके अंदर ही सर्कल अगला बनता हुआ, और मीनवाइल यहां पर हॉट शॉट का ग्रेनेड जाता है फॉल के एक प्लेयर को और को लेकर जाता हुआ, एक प्लेयर की हेल्थ बहुत कम है बट ब्लड फायर अंदर घुसते ही उनके सामने बाकी प्लेयर्स तैयार रहेंगे फाइट लेने के, लेकिन लॉर्ड को यहां पर डाउन किया जा चुका है एलएफके। अब ब्लड फायर जहां पर गए हैं आगे ही एक प्लेयर जरूर बैठे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर इनको मूवमेंट देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो और मुश्किल हो सकती है, बट सामने प्लेयर ने स्पॉट कर लिया, उसी का करारा प्रहार यहां पर आता और बेहतरीन तरीके से टेक डाउन भी किया इस फाइट के अंदर। बिल्कुल फॉलन की जो करीतो है वो भी रिवाइवल की मतलब वो मांग रहे, बट ये फाइट मुश्किल रहने वाली है बिकॉज फॉलन के प्लेयर्स कंपाउंड जरूर है उनके पास, बट बाहर से अगर एक ग्रेनेड आया तो मुश्किल हो सकते हैं, बट एलएफ के पंजाबी क्या क्लोज एनकाउंटर में फाइट निकालने की कोशिश करेगा, पीछे की साइड से जकड़ने की कोशिश जरूर करेगा, बट फॉलन पंजाबी यहाँ पे जो थे एलएफ के जो पंजाबी थे उन्होंने कोशिश करी, बट फॉलन के प्लेयर्स ने उन्हें बहुत ही आसानी से टेकडाउन करा, थोड़ा सा अच्छी पोजीशन है, बट एमआईएम को अभी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट अभी ओके यहाँ पे इग्नाइट ने एक बहुत ही प्यारा नॉक डाउन, बट डेस्ट्रो का एक ग्रेनेड जगह सेंसाई नॉक डाउन, मानव भी नॉक डाउन हो जाएगा, बैक टू बैक दो नॉक निकाले ग्रेनेड के द्वारा, बैरल चलाए तो नजर आ रही है, बट इग्नाइट को पूरा फिनिश करेंगे ये फाइट। अब थ्री मैन स्क्वाड ऑलरेडी ये लोग आए थे, ये टीम नंबर 10 देखते किस तरीके से जोन के अंदर जा पाते, बिकॉज स्पिन का जो स्क्वाड था एक्सप्लिसिट थे और बता रहा उन्होंने बैक टू बैक फाइट जरूर लिया, बट टीम एक्स पार्क 420 ओपीएफ की उजी डाल रहे रीलोड में, इसी के चलते एमआईएम स्क्वाड का भी खात्मा करती हुई नजर आई है और रहने वाले फॉलन का स्क्वाड मेरे को बार बार प्रभावित करता रहा था, बट टीम एक्स पार्क के ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट नजर आए हैं, एक बहुत ही प्यारी ओपनिंग दिलाई उन्होंने इस बार, और डेस्ट्रो सबसे आगे जाते हुए नजर, बट चारों असॉल्टर्स है चारों यहाँ पे किल्स के भूखे, बट सामने उन्होंने मॉलोटोव के ऊपर पांव डाला और ये एग्रेशन उनके लिए क्या पता है खतरे की घंटी बनता नजर आ रहा है, क्या टेस्ट को फुल फिनिश हो गया यहाँ पे, इसके चलते विद इन स्प्लिट सेकंड्स टीम एक्सपार्क का स्क्वाड से मात्र दो प्लेयर बचे हुए हैं, बट यहाँ पे ब्लड फायर क्या इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, वन वर्सेस टू कर सकते हैं क्या, छोटी सी गलती जो उनके लिए थी उनके लिए क्या भारी पड़ सकते, बट नहीं आदित्य ने वो फाइट अपने लिए रखी, बट टू वर्सेस वन की सिचुएशन, तीन प्लेयर मात्र जिंदा है, क्या आदित्य को पहले स्पॉट करें, बट ईवो स्पॉट जरूर कर चुके हैं, एलिमिनेशन यहाँ पे जरूर होगा, बट टीम एक्स पार्क का स्क्वाड बहुत ही प्यारी तरीके से उन्होंने निकाला है, ये जगह टीएक्सओ के प्लेयर्स अच्छी फाइट यहाँ पर निकालते हैं, क्लचर को अपने हिस्से फाइट रखनी पड़ेगी, बट मुश्किलें यही है कि ये इस एरिया में हेल्थ बहुत कम करवा चुके, अपनी फॉलन के प्लेयर्स फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिवाइन लेके डाउन होते हैं बट बैक साइड से यहाँ पर सिद्धू का सपोर्ट आता है और वो एक प्लेयर को डाउन किया, बट सिद्धू भी डाउन हो चुके, शैडो के ऊपर यहाँ पर पूरा भार आ जाता है और फॉलन के किरीटो अपने हिस्से में सारी फाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अकेले अकेले क्लचर इस फाइट में बचते हैं, क्या क्लचर क्लच कर पाएंगे वाली फाइट, बिकॉज शैडो के साथ वन वर्सेस वन ये फाइट उनके सामने होगी, कौन सा एक प्लेयर क्या थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आएगा एक वो भी पॉसिबिलिटी जरूर बनेगा, बट शैडो जाके कंपाउंड के अंदर बैठ जरूर चुके, बट कॉल दिए उनके प्लेयर ने कि आके मुझे रिवाइव दो एंड रिवाइव जरूर दिया जा रहा है, देखते हेल्पर को एक हेल्प प्रोवाइड करी जा रहा है, बट 420 ओपी नॉक डाउन हो जाएंगे, आदित्य ने एक ट्रेड फाइट निकाला जरूर एमवीपी के प्लेयर का, अब सामने से ओके मयूर फॉर द विन को रिवाइव मिल रहा है, बट अभी प्रशांत ही डोंट वांट टू गिव रिवाइव, वो पुश करते नजर आ रहे हैं, प्रशांत सामने से नॉक डाउन करेगा आदित्य को, वन वर्सेस वन फाइट टीम एक्स पार्क निकाल के जाते, बट पीछे से एक फील्डिंग बिठा दी क्रॉस फायर की और एमपायर के प्लेयर पीछे की तरफ को अपनी फाइट्स अच्छी खासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फाइट्स किस तरीके से बना पाएंगे वो थोड़ी देर में पता चलेगा, बट मान अब यहां पर कोशिश करेंगे वो आगे पॉइंट ऑफ कर रहे हैं, मॉली सही एरिया पर है, प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश एंड दे विल बी गोइंग डाउन, काफी बेहतरीन तरीके से और फाइट निकाल दिया, और मानव एक ग्रेनेडियर की फॉर्म में आते हुए उनके पास जिस तरीके से उन्होंने यहां पर फाइट्स निकाल लिया, बट एमवाईएम जो एरिया इन्होंने होल्ड किया 5 किल्स के साथ उस एरिया को ये टीम नहीं छोड़ना चाहेगी, बिल्कुल कोई भी टीम छोड़ना नहीं चाहेगी, बट इमॉर्टल बाहर बैठ के बैंडेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी ये एक विंडमिल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे जरूर उनके पास एक लेवल 2 का फ्रेश वेस्ट आ जाएगा, बट उनका हेलमेट जो है बहुत ज्यादा डैमेज है, बट अभी भी मानव वो किल्स के पीछे भागने की कोशिश करे, एकमात्र फर्स्ट रेड निकला जरूर बचे, बट टीम एक्स पार्क के लिए गेट कीप काइंड ऑफ करने की कोशिश करे, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी आल्सो बिकॉज टीम एक्स पार्क किसी और के साथ भी फाइट नजर, बट एलएफ के लॉर्ड नॉकडाउन हो जाएंगे, बट करी तो अभी भी नहीं रुकना चाहते, इमॉर्टल ने इंडियन नेक का किल पूरा कंफर्म करा, इमॉर्टल ने राज का भी किल पूरा कंफर्म करा, बट फॉलन के क्लचर क्या फाइट निकाल पाएगा, द आंसर इज यस, बैक टू बैक क्लचेस क्लचर निकालते रहे और अभी भी जिंदा है, बट थर्ड पार्टी हो जाएंगे जोन के अंदर आते ही उनके लिए 420 ओपी वेट, बिल्कुल यहाँ पर हील बैटल की शुरुआत हो चुकी है जिस तरीके से फाइट की हम बात करें, बिकॉज नोवा जोन आ चुका है और हील बैटल के लिए फाइनल सर्कल यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है, एमआईएम के टेनेंट मानव यहाँ पर आगे के एरिया पर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे, एक और टीम यहाँ पर फिनिश हो चुकी है, अब पारी आती है 4 vs 3 की, एमआईएम का स्क्वाड सेंटर एरिया होल्ड करना चाहता है, इमॉर्टल और मानव आगे आ चुके हैं, सेंसर भी पीछे वो हील बैटल कर रहे होंगे, बट नो ही गोस डाउन एज़ वेल, इट्स जस्ट 2 players vs 4 players, बट प्लेयर्स उन सबको डैमेज दे रहे और किल्स उठा रहे हैं, यहाँ पर मानव एक प्लेयर को डाउन कर चुके, ड्रॉप शॉट लिया है लेकिन उनको डाउन किया जाएगा क्रोजा का यूज करते हुए, बट इस पूरी फाइट के अंदर
This was amazing because MYM gets that second.